भोजपुरी सिनेमा की ताजा तरीन खबरों के लिए बिंदास भोजपुरिया के साथ जुड़े, ये लाल रंग का सब्सक्राइब बटन दबाएं और घंटी के निशान पर क्लिक करें। बिंदास भोजपुरिया को सब्सक्राइब करना बिल्कुल फ्री है, मतलब सारी खबरें मुफ्त में पाए। यस, मैं अभी थोड़ी देर पहले कह रही थी कि फैटी बॉडी की मेरी आखिरी फिल्म होगी बेमिसाल खिलाड़ी। अच्छा, आप लोग कपिल शर्मा के शो में गए थे रानी जी, बहुत सारा वहाँ पे उसके बाद बातें करी जा रही थी कि आप लोगों का मजाक उड़ाया गया भोजपुरी को लेकर, बहुत सारी बातें ट्रोल की गई। रानी चटर्जी को कैसा लगा कपिल शर्मा का पूरा एक्सपीरियंस शो का? बिल्कुल नहीं, अगर मजाक उड़ाया गया होता तो हम वहाँ जाते ही नहीं। मुझे बिल्कुल नहीं लगता कि उन लोगों ने मजाक उड़ाया, मस्ती कर रहे थे, हम सब बहुत हंस रहे थे, बहुत ही रिस्पेक्ट दी कपिल जी ने, पूरी टीम ने, ऑलमोस्ट अर्चना पूरन सिंह जी ने खेसारी जी के डांस पे उन्होंने भी ठुमके लगाए, निरहुआ रिक्शा वाला जब निरहुआ जी ने गाया, तो मुझे लगता है कि कोई भी ऐसा मजाक नहीं उड़ाया गया। ये देखिए, लोगों को बोलना है तो कुछ तो बोलेंगे, लोगों का काम है बोलना तो वो लोग बोलेंगे। पवन जी ने बोला ये नहीं। तो सोशल मीडिया को कौन जानता है उन लोगों को जिन्होंने बोला, मतलब ऐसी कोई बात नहीं है। हाँ, नहीं नहीं, वो बिजी थे, पवन जी बिजी थे, वरना पवन जी आते, रवि जी भी बिजी थे, वरना उनको भी वहाँ पर इनवाइट किया गया था, बट अनफॉर्चुनेटली वो दोनों वहाँ नहीं पहुँच पाए। मुझे लगता है कि नेक्स्ट कभी टाइम होगा तो डेफिनेटली वो दोनों भी जाएंगे। बट उन्होंने टाइम निकाला, बिजी मैं भी थी, मैंने टाइम निकाला, खेसारी जी भी बिजी थे, हम सब ने टाइम निकाला, बट वो लोग नहीं निकाल पाए। चलिए फिल्म के मुद्दे पे लौटता हूँ। रजनीकांत जी,